इतनी कुर्बत शाहिद इतनी आपकी कुर्बत और फिर जब एग्ज़ाइल में जलावतनी में चले गए शरीफ ख़ानदान वाले बड़े मियाँ साहब भी वहाँ चले गए आपने भी देखा कि बड़े मियाँ साहब ने वहाँ पर हुसैन के लिए जो मियाँ नवाज शरीफ के बड़े बेटे हैं उनके लिए वो स्टील मिल सेटअप की और आपसे पहले भी मेरी गुफ्तु इस बारे में हुई है एंड यू ऑलवेज सेड इट वाज नॉट अ वेरी लार्ज स्टील मिल्स इट वाज अ काइंड ऑफ एट मिलियन नाइन मिलियन डॉलर स्टील मिल थी

तो वो वैसे भी कारोबारी लोग थे तो उन्होंने उसको भी कामयाब कर दिया हालांकि सऊदी अरब के उस ज़माने में स्टील मिल्स नाकाम हो जाती थी आप बताते हैं मुझे आपने पहले बताया था मुझे कुछ महीने पहले जब हमारी मुलाकात हुई तो आपने कहा कि मियाँ मोहम्मद शरीफ उस वक्त इतने बीमार थे कि वो व्हील चेयर में जा कर और वो स्टील मिल सेटअप करते जाते थे मैं एक दफ़ा वहाँ उम्र पर गया तो मियाँ साहब को पता चल गया उन्होंने बुला लिया फिर तीन दिन उनको हम विज़िट करते रहे तो वो रोज़ सुबह मैं देखा कि व्हील चेयर जाते थे और ख़ुद उनको वो एक उनका एक प्रोफेशन था वो जानते थे इस काम को पर मैं खुद सऊदी अरब में मैंने काम किया वहाँ पर स्टील मिल्स बड़ी मुश्किल थी बिकॉज इम्पोर्ट फ्री थी तो आप उसे कम्पीट नहीं कर पाते थे लेकिन उन्होंने उसको भी कामयाब कर दिया तो उसके बाद फिर जब मियाँ साहब का बड़े मियाँ साहब का दो में इंतकाल हुआ और उनके दोनों बेटे जिला वतन थे और ना मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ सके उनकी मैयत के साथ ना शाहबाज शरीफ आ सके क्या ये सच है कि मियां साहब ने आपको कहा कि उनके तदफ़ी का इंतज़ाम कीजिए उनकी तदफीन पर दोनों जनाजे मैंने पढ़े जो जनाजा दाता दरबार में था जो नई मस्जिद बन रही थी और उनके घर पर रमज़ान शरीफ था तो उसमें लाहौर के लोगों की नस्बत पिंडी हज़ारा और के पी के लोग ज़्यादा थे ये बड़ी अजीब बात है नहीं अजीब तो मुझे बड़ी है? बात महसूस हुई कि एक फैमिली या एक आदमी इतना एक शहर में रहा इतना उनका लंबा ताल्लुक ताल्लुकौ का, का, का एक माहौल भी था मुशरफ़ की हुकूमत थी तो बहरहाल वो मैं दोनों जब उनको कब्र उतारा गया मैं मौजूद था मैं और तारड़ साहब भी वहाँ पर थे जो सियासी लोग रह गए थे नहीं मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि आपकी इतनी रबत इतनी आपकी न्याजमंदियाँ आपस वो में वो इतनी पुरानी और मैं जब भी आपसे बात करती हूँ देखा है कि यू हैव हाँ हैव अ अ ग्रेट हाँ ग्रेट फॉन्डनेस फॉन्डनेस फॉर नवाज शरीफ यू जी जी बिल्कुल बिल्कुल हमेशा से और है रहेगी हमारी कभी कमी नहीं आएगी तो फिर ये क्या हो गया ये क्यों आपस में इतना आपकी दूरियाँ हो गई क्यों आपने पी एम एल एन छोड़ दी नहीं कोई दूरी नहीं है मैं कोई दूरी नहीं है ना मेरी खपकी है ना मुझे कुछ चाहिए लेकिन मैं उस सियासत से एग्री नहीं करता जिस पर मियाँ आज पी एम एल एन चल रही है इस सियासत की क्या डिफिर? क्या मतलब इस सियासत से जो हर कीमत पर इकतदार की सियासत होती है जो माजी में रही है आज उसकी गुंजाइश नहीं है मेरी नजर में तो मियाँ नवाज शरीफ ने तो कई दफ़ा डिफाई किया है कई दफ़ा उन्होंने अखियारा की जंग लड़ी है कई दफ़ा उन्होंने कहा है कि मैं डिकटेशन नहीं लूँगा कई दफ़ा उन्होंने इसका भार भी उठाया है तो अब आप क्या समझते हैं अब क्या फर्क पड़ गया देखिए मैं उनकी जगह बयान नहीं दे सकता लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये जो सियासत है ये उनकी सोच से मुख्तल है तो क्यों कर रहे हैं फिर क्या मजबूरी है वो उनकी जो भी मुझे नहीं पता वो बेहतर जानते हैं सब पता है आपको नहीं पता मुझे कैसे कह सकते हैं मैं, मैं, आज खुल के बात कर लें नहीं उनकी जगह नहीं कह सकता हूँ देखिए फैमिली का जो जिनसे मुशावरत करते हैं आ, उनका ये राय होगी और वो राय हावी होगी यही बात होती है सियासत में आ, लेकिन जो उनकी सोच मैंने पैंतीस साल देखी है वो इससे कतई मुख्तलिफ है जो आज सियासत पी एम एल एन कर रही है मियाँ साहब की सोच उससे हमेशा मुख्तलिफ रही है खैर सो... बाद में जाके आपने प्राइवेट अपनी एयरलाइन को तो इतना कामयाब बनाया उसकी बात बाद में करेंगे नाइन्टी नाइन के कू पे आते हैं मुशरफ साहब ने कू किया आप चेयरमैन पी आए थे उनका जहाज श्रीलंका से कराची आ रहा था

तो हमने जो कुछ किया वो रिकॉर्ड पर है उन्होंने एक बड़ा गलत किस्म का केस हाईजैकिंग का बना दिया हाईजैकिंग हमारे जो लीगल सिस्टम है उसमें एक ऑफेंस है जिसकी मैंडेटरी सज़ा यानी लाजमी सज़ा आपको मौत मिलती है अगर आप कुछ और दें तो उसके लिए बताना पड़ता है कि क्यों मैं कम सज़ा दे रहा हूँ जज को बताना पड़ता है बहरा पूरा ट्रायल हुआ आ, ट्रायल में काफ़ी आगे पीछे बातें हुई कभी इस जज के पास गया कभी उस जज के पास गया आ, तो बहर रहमत हुसैन जाफरी साहब थे बड़े दलेर आदमी थे तो उन्होंने वो ट्रायल किया उन पर बहुत दबाव पड़ा एंड पे आखिरी दिन तो मेहर शाम को छः बजे के करीब जाके फैसला जो दस बजे सुनाना था वो सुनाया गया और उसमें अजीब बात यह थी कि जो मेन एक्यूज़ मैं था मुझे एक्विट कर दिया गया और सिर्फ मियां नवासीफ जो थे उनको कन्विट किया लेकिन सजाए मौत नहीं दी बल्कि आप वो जजमेंट मंगा लें तो जो पेजेस जहाँ सजाए सजा दी गई मियाँ साहब को वो नए टाइप पेजेस हैं तो यानी कि वो जज के नहीं थे जाफरी साहब घर से जजमेंट लिख कर लाए थे तो और उन्होंने आखिरी दिन भी पूछता है जज आपसे कि अगर आपको कोई शिकायत हो ट्रायल से तो वो री ट्रायल ऑर्डर कर सकता है तो उन्होंने हमसे पूछा मैं गया तो मियाँ साहब बैठे थे और तो मियाँ साहब को कहा कि अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है मुँह पे कहते मैं री ट्रायल यानी केस रिमांड कर दूँगा री ट्रायल हो जाएगी तो बहरहाल मियाँ साहब ने मेरी तो देखा मैं कह बिल्कुल साइन कर दे एक आदमी इतनी बात कह रहा है तो और क्या रह गया तो बहरहाल वो भी गुजर गया वो प, प, से थे गया। के गुजर गया तो लेकिन कु से पहले और ये भी आपकी जो मियाँ साहिबान के खानदान के साथ खानदानी तौर पे खाकान अबासी फिर आपकी जो उनके साथ एक कुर्बत थी वो एक और उसका एक सबूत है और वो ये है कि आप बड़े मियाँ साहब मियाँ मोहम्मद शरीफ के साथ गालिबन बोस्निया गए थे इमदाद लेके वो कैसे हुआ था नहीं वो इसके बाद वो बाद की बात है जी ये नहीं सॉरी इससे पहले की बात है कु से पहले की बात है जी ये सब लोग बातें करते हैं मैंने हमेशा ये बात कही है कि ये जो फ्लैट हैं जो फील्ड वाले हैं ये उनके वालद ने लिए थे उन्नीस सौ इक्यानवे या बानवे में उस उसको तो सारे जो होते थे कारोबारी आदमी थे वो यही करते थे कि यहाँ इसको पैसे देते थे वहाँ पैसे वो मिल जाते जी, थे और कोई तरीका नहीं तो तरीका नहीं था पूरी पाकिस्तान यही करता था हाँ। दुनिया में ऐसे ही होता था तो उनके पास एक बड़ा कारोबार था उनके लिए रकम बड़ी नहीं थी उस वाले मुझे याद है कि ये कोई दो मिलियन पाउंड से कम के ये या 1.8 1.9 मिलियन के जी एवन तो फील्ड फ्लैट्स 94 में मुझे जब बॉस्टन की जंग बिल्कुल जारी थी तो सरताज जी साहब ने रबता किया कि बड़े मियां साहब ने मियां शरीफ साहब ने पैसे इकट्ठे किए और मैं सफर नहीं और उनकी ख्वाहिश है कि वहां जाकर प्रेसिडेंट इज्जत बेगोविच को दिए जाएं उनके हाथ पकड़ाए जाएं उनके हाथ में जी ताकि उनको ये एहसास हो कि कोई तो सरदार साहब ने कहा जी सर्दी है मैं मेरी उम्र नहीं मैं ट्रैवल कर, आप जाएँ और आप तो मैं जिस दिन जा रहा था तो मुझे उन्होंने कहा कि आप फ्रैंकफर्ट जाएंगे तो वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब भी आएंगे वो लंदन से आएंगे तो फिर आप इकट्ठे उनके साथ जाएँ पर वो सफ़र भी बड़ा कठिन था उस ज़माने में जंग लगी थी जो अब क्रोएशिया और सर्बिया और बॉसनिया है इस पूरे इलाके में सख्त जंग थी और मनफी बीस डिग्री टेम्परेचर भी था बरअल हमने हम अम चार लोग थे मियाँ साहब के, के दो लोग थे मैं था मियाँ साहब और हमने सफर किया और मतलब फायरिंग जा रही थी बराबर वहाँ पहुंचे और उनके हाथ में चेक दिया और कितने का था चेक आठ मिलियन डॉलर का आठ मिलियन डॉलर और ये मियाँ मोहम्मद शरीफ ने उन्होंने और अपने दोस्तों के साथ और एसोसिएट से इकट्ठा करके और ये पैसे दिया दुबई की एक बैंक का कैशियस चेक था और मेरे पास था मेरी जेब में था तो मैंने निकाल के मियाँ साहब को दिया उन्होंने उनके हाथ में दिया और वहाँ हालात ये थे कि पूरे दिन में जुमे का दिन था तो हमें कुछ खाने को ना दे सके उनको था ही कुछ नहीं और इतनी ईंधन भी नहीं था कि वो बर्फ़ पिघलाकर पानी बना सकें तो उन्होंने हमें तकरीबन एक घूंट कॉफ़ी का दिया और वज़ू के लिए आधा कप पानी कर दिया कि वज़ू करने